बाबा जी। ओम। मैं मुंबई से आई हूँ बाबा जी। क्या नाम है? मुंबई से आई हूँ, मंजू। अंजू। हाँ हाँ, मुझे शुगर बीपी सर्वाइकल ये बहुत ज़्यादा था, तो मेरे ये 5-6 दिन में एकदम क्योर हो गया है। बीपी की कोई दवाई नहीं? हाँ, शुगर की भी नहीं? बीपी तो मैंने पहले से ही कर लिया। लो, बीपी पहले से ठीक कर लिया था। हाँ, शुगर था वो भी नॉर्मल आ गया, 120 आया है, कल भी मैंने चेक करवाया। और वो सर्वाइकल? सर्वाइकल सर वो वहाँ पे बॉम्बे में मुझे ऑपरेशन का बोला था, मुंबई में कोकिलाबेन में, तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया है। ये एक साल से मैंने योगा करके, मेरा लड़का भी आया है यूट्यूब पे, मुझे पूरा आपका जो देता था पूरा ट्रीटमेंट, उससे काफ़ी फर्क हुआ है। और यहाँ मैं सिंगी उंगी लगाने आई हूँ। श्रृंगी चिकित्सा भी हो जाएगी। हाँ बाबा जी, आपके लिए मोक्षण वात मोक्षण पूरा करा देते, सर्वाइकल स्पोलाइटिस तो 3 दिन में ही गायब कर देते। बाबा जी, आपके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मैं गणपति की बहुत बड़ी भक्त हूँ, आज आपका आशीर्वाद मिला हमें। लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले लीक ही चले कपूत, लीक से हटकर जो चले सिंह सायर सपूत। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। आपने ये अद्भुत जो किया है ना, वो सब लीक से हटके चलने वाला काम है। चलो, लीक से हट करके अब उस लीक पर चलना है, उस रास्ते पर चलना है जो अपने ऋषियों ने बताया। ये इसको देना भाई को, तेरा क्या ठीक हुआ भाई? ओम बाबा जी। ओम जी। मेरा, मैं बिहार से आया हूँ, पर और पहले 40 यूनिट लेता था, 25 साल से डायबिटीज है। 25 साल से डायबिटीज, 40 यूनिट? हाँ। अब तो कल छोड़ दिया था, लेकिन रात में बढ़ गया था 591 मात्र 6 यूनिट लिए हैं बाबा। 6 यूनिट लिए? हाँ, अभी 94 आ गया। 94 आ गया मात्र 40 से 6 यूनिट, 2-3 दिन में सब नॉर्मल आ जाए। खाली कमजोरी बहुत है बाबा। इम्यूनोग्रिड भी अब साथ में ले लेना, इम्यूनोग्रिड गोल्ड ना। हाँ, इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं। ठीक, प्रणाम बाबा। ओम बाबा। 25-25 सालों से डायबिटीज की दवाइयाँ खा खा करके शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, अंदर से जर्जरित हो जाता है, जैसे दीमक शरीर को खा लेते हैं, ऐसे पूरे शरीर को, एक एक सेल को अंदर से डैमेज करती है। इसलिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे देते हैं कुछ दिनों तक, फिर लीवर को, किडनी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है, आँखों को, जितने भी शरीर के संवेदनशील कोशिकाएँ हैं, संवेदनशील ग्रंथियाँ, ऑर्गन्स हैं, उनको डैमेज करता है शुगर। हाँ, ये बाहर की चीनी भी ख़त्म करती है अंदर को। बिहार में तो इसको शुगर की बीमारी को चीनी की बीमारी कहते हैं, ये अंदर से ख़त्म कर देती है शरीर को, खा जाती है। गांव में भी लोग बोलते थे, ये ज़्यादा चीनी खा रहा है, गल जाएगा, ये अंदर से शरीर को गला देती है। क्या ठीक किया अम्मा? हरिओम बाबा जी। ओम जी। हमको 25 साल से शुगर है और मतलब यूरिन का इन्फेक्शन हो गया था और लीवर भी थोड़ा डैमेज हो गया है और थोड़ी किडनी में भी दिक्कत आ गई थी। तो किडनी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लीवर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि, मैं कह रहा था ना, लीवर किडनी पर बुरा असर डालता है, तो इसको डालना शुरू कर दिया था। अब रिकवर हो रहा है जी? अभी तो मैं आई हूँ, आज 5वां दिन मेरा है, अभी मेरा पहला बार है यहाँ पे। कितना हो गया अब शुगर? जी शुगर तो मैं आई तो दूसरे दिन मेरा बंद कर दिए लोग, ये मतलब शुगर इस समय 150 से नीचे है। और इंसुलिन बंद हो गया? इंसुलिन बंद हो गया, 4 बार लगता था। 4 बार लगता था। क्या नाम है अम्मा? जी माधुरी पांडे, वाराणसी से आई हूँ। माधुरी पांडे जी, भगवान भोलेनाथ की नगरी से आई है। ठीक हो जाएगी अम्मा माधुरी जी? जी। 4 बार की इंसुलिन बंद हो गई, करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करो। और डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस लीवर पर, किडनी पर, आंखों पर, नर्वस सिस्टम पर गलत असर आता है, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, न जाने क्या क्या उपद्रव होते हैं, वो सब मिटेंगे। माधुरी लगे रहना बहन जी। और 6-7 महीने हो गया, मैं मतलब खाना वाना मेरा सब छूट गया था, सब कुछ छूट गया है, मतलब खाना खा, भूख ही नहीं लगती है, भूख ही नहीं लगती है, 7-8 महीना हो गया। अब भूख लगेगी बढ़िया जी। डॉक्टर लोग यही बोलते हैं कि जब तक इन्फेक्शन नहीं खत्म होगा यूरिन का, तब तक भूख नहीं आएगी। यूरिन का इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ गोखरू का पानी पीना, सारी वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, पूरा शुद्ध